बहुत खुशी की बात है। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज हमारे शिवम साहब के बर्थडे पे हम लोग आए हैं। मेरे साथ हैं राजीव श्रीवास्तव जी हैं, भाई साहब हमारे हैं, बाकी आप लोग भी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग बाकियों को तो बर्थडे मनाते ही मनाते हैं, और जब सेवा से चहित इस्लामों को मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और मैं चाहूँगा कि मैं ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारी पहचान कोई नहीं है, हमारी असली पहचान ये लोग हैं। तो एक बार शिवम जी के बर्थडे के लिए बहुत जोरदार तालियां। जो काम भी करते हैं वो सारे फिल्म वालों के बीच वाला ही करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्दी किसी ना किसी पुरुष डायरेक्टर की इन पे नजर जाएगी, और कल के जितने स्टार हैं उनकी इन स्टारों में इनका भी एक मुकाम होगा। मैं इनके लिए कौन सा गाना गाऊं? अभी इनके लिए तो नया गाना आपके लिए कोई अच्छा सा गा दो। वो ये गाना इतना खस चुका है मगर वो रिकॉर्ड फिर भी हर जगह अच्छा लगता है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम। अरे सर अमित जी गलत है,
फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो शिवम है, शिवम का मतलब होता है शिव शंकर, और शिव शंकर भगवान स्वयं उनको आशीर्वाद देंगे, उनके जीवन में कब कब नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा हो, सुंदर हो, ये स्पष्ट रूप से शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। विपक्ष आप आरोप नहीं लगा पाएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, इलाहाबाद रहेंगे या बॉम्बे कहीं भी रहेंगे, इस स्पष्ट रूप से हमारा आशीर्वाद तो भाई नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद भी आपके साथ पूर्ण भारतीय जनता पार्टी का पूरा आशीर्वाद के साथ में है, और हम सब इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाई शिवम तुम आगे बढ़ो, पूरी भारतीय जनता पार्टी। हाँ सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? मैं शिवम के लिए ये कहना चाहूँगा, एक या दो लफ्जों में कहना चाहूँगा कि कहते कि फूल को खुशबू मुबारक, फूल को खुशबू मुबारक हो, सागर को पानी मुबारक हो, चांद को चांदी मुबारक हो, और शिवम आपको ये आपका एक खूबसूरत सा जन्मदिन मुबारक हो। सर आप क्या बधाई देना चाहेंगे? भाई खूब तरक्की करो, खुश रहो और कामयाब रहो। आज जो मैं यहाँ पे आया, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पे टाइम निकाल के मेरे लिए आए। वो एक्टर हमारे कल्याणी जाना जी एक गरीब एक्टर के पास आए और बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत ही धूमधाम से एंजॉय किया, तो क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे शिवम? सबसे पहले मेरे तमाम मीडिया को मैं धन्यवाद, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। बेसिकली मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा गरीबों का एक्टर हूँ, मैं गरीब के लिए मैं जीता हूँ, और ये गरीब एक्टर नहीं है, एक अच्छा एक्टर है। आज इसका बर्थडे है तो रियल हीरो ये है, तो ताली हो जाए बस अब। शिवम ने बहुत अच्छा लड़का है, मैं कोई बड़ा एक्टर नहीं, सही में मेरा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं आया है मार्केट में, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ, और सब इंडस्ट्री में कोशिश कर रहा है और अपना अपना दम लगा रहा है, अपना अपना जान लगा रहा है। रोज़ सुबह वो के आते हैं काम करने के लिए, सुबह शाम को जब घर जाता है तो जेब में पैसा वो भी ख़त्म हो जाता है, कोई चल के जाता है, कोई ऑटो पर जाता है, कोई बस पर जाता है, कोई ट्रेन वो ट्रेन से आता है, कोई बाइक से आता है, तो कोई गाड़ी से आता है। तो ऐसे मुंबई शहर में एक ऐसे इंसान जो मीडिया संभाल रहा है, साथ साथ में एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छे माशाल्लाह अच्छा लुक दिया इनको अल्लाह ने, भगवान ने, सर ने, गॉड ने। तो मेरा इतना ही है, बर्थडे का दिन है, आज जन्मदिन है इनका, आपको ढेर सारी शुभकामना, आप आगे बढ़ो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी पूरी गाँव का, अपने देश का और इस इंडिया का। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाकी आप लोग मेरे बारे में आप गूगल पे देख सकते हो, कल्याण जी जाना गरीबों का एक्टर, हर रोज 12 बजे कल्याण जी जाना फेसबुक आईडी में मैं एक शो लेके आया हूँ, शो का नाम है सच्चाई का सामना। तो आप लोग जुड़े हर रोज 12 बजे कल्याण जी जाना आईडी में, शो का नाम है सच्चाई का सामना, जो करते हैं इस इंडिया में बुरा उसका हम करते हैं उसकी पूछ मानना, वो मेरा शो है जिसका नाम है सच्चाई का सामना। यूट्यूब पे एक शो लेके आया हूँ, बहुत प्यारा शो है जिसका नाम है एक नंबर पब्लिक बकचोदी कल्याण जी जाना, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखें, लाइक करें। कल्याण जी जाना फिल्म रिव्यू एक चैनल है, अब नया नया खुला हूँ, उसको भी आप लोग लाइक करें। मेरे आने वाले 4 फिल्म हैं और एक फिल्म में भाई ने काम किया है, हैदर भाई ने, बहुत अच्छा मेरा पीआर संभालते हैं मेरा, जब से मेरी पहला फिल्म रिलीज़ हुआ है ढूंढ लेंगे मंजिलम, तब से ये मेरे साथ है। मेरे आने वाली फिल्म है ड्रीम सिटी मुंबई, मेरा फुटपाथ, मैं हूँ ऑटो वाला और आई लव यू, ये तमाम जो फिल्म है इसमें मीडिया संभाला है मेरे भाई ने, हैदर भाई ने, मेरी एक अच्छी फिल्म इन्होंने काम किया है, मेरा फुटपाथ में बहुत अच्छा इन्होंने नेगेटिव रोल किया है। बाकी 3-4 फिल्म मेरा शूटिंग होने जा रहा है, वेब सीरीज़ मैंने 3-4 साइन किया हूँ, मेरे एक टॉप टीवी बोल के एक चैनल है जिसमें मैंने एज ए लीड एक सीरियल मैंने साइन किया हूँ। बाकी रोज मैं एंकरिंग करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। भाई और बहनों आप सभी को मेरा सलाम, बहुत ही प्यारा आज दिन है, बहुत ही प्यारा आज है, भाई का बर्थडे है, इसलिए आप सभी को हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई को भाई जरूर हाथ मिलाना, अगर नहीं हाथ मिलाओगे ना तो रात को आएंगे सपने में आपका हाथ कट जाएगा। हाँ हाथ बाहर ना भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। जी हैदर जी, आज शिवम का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और तमाम सेलिब्रिटी आए हुए हैं और काफ़ी गेस्ट आए हैं, एंजॉय किया, तो किस तरह से बधाई देना चाहेंगे शिवम? शिवम हमारा भाई है पहली बात तो ये, और इससे से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दिल से एक मिलना एक अलग होता है,
तो ये बंदा जिसका भी दोस्त होगा या जिसका भी भाई होगा, ये किसी से भी मिलता है तो उसको फैमिली समझ के मिलता है। बहुत इससे अच्छा लगता है। दो दिन से ये आदमी इतना मतलब अपने आप में खुद में एक्साइटेड है कि मैं बर्थडे करने जा रहा हूँ। रात में सोया नहीं, तो मैंने कहा यार इतनी टेंशन मत ले वरना परेशान हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से सेलिब्रिटी आए और बर्थडे की शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छा लगा। और शिवम, तुम्हारी जो ये शादी है ये सबसे अच्छी है, जो लोगों से अच्छे से मिलते हो और हर किसी को अपना बना लेते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और ये हर किसी को मयस्सर नहीं है, सच पूछो तो। और सब ऐसे नहीं होते, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो जिससे मिले वो तुम्हारा हो गया, ये सबसे बड़ी बात है तुम्हारे में। और ऐसे ही तुम रहना बस, मैं यही शुभकामनाएं आपके लिए दूंगा कि आप हमेशा ऐसे ही रहो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड मैं आपको बता दूं कि यही है मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे सर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इनका सपोर्ट मिल रहा है इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जीरो था, अब मैं हीरो हूँ इनकी नज़र में। बहुत जल्दी आप लोगों की भी नज़र में हीरो बनने वाला हूँ। बस आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए और मैं मुझे ऐसे ही हंसते खेलते हुए देखते रहिए आपको। थैंक यू सर। बहुत सक्सेस करे ऐसे ही, बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। तो और आप किस तरह से बधाई करना चाहेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड शिवम सेंगर का बर्थडे है और मैं क्या बधाई देना चाहेंगे? आज शिवम का बर्थडे है, केक कटिंग हुआ और बहुत सारे सेलिब्रिटी आए, बहुत एंजॉय किया, तो किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? मैं तो विश करना चाहूँगी अपनी लाइफ बहुत सक्सेस करे ऐसे ही, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। तो और आप किस तरह से बधाई करना चाहेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड शिवम सेंगर का बर्थडे है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी मुंबई आने की जो जर्नी है वो शिवम के द्वारा पूरी हुई है और मैं फर्स्ट टाइम में मुंबई आया था शिवम के साथ आया, तो ये तो मेरे लिए एहसान है जो नहीं हो सकता। और ये मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी भाई है, क्योंकि मुंबई में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। शिवम भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप अपने मुकाम तक पहुँचे और बहुत ही जल्दी तरक्की करें। बस यही विषय है मेरी तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवम। मैम आप क्या बधाई देना चाहेंगे शिवम को? मैं तो आज पहली बार मिली हूँ शिवम से और अच्छा लगा मिलकर, और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि हमेशा ही आगे बढ़ते रहें, जिससे अभी तक ये आगे बढ़ रहे हैं तो हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो हैप्पी बर्थडे। किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया, किस तरह से एंजॉय किया, क्या लोगों ने एंजॉय किया? काफ़ी अच्छा पार्टी दी। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उनको बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे, बट बहुत टाइम से बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर मेरे लिए टाइम निकाल के, आप इतना बारिश हो रहा है, इतना नाइट हो गया, अभी आप आ रहे हो। थैंक यू सो मच सभी फ्रेंड को एंड दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए इतना टाइम निकाल के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।